Hi guys, this is Habibur Sir from English Classes. Once again, welcome to all of you on your favorite channel, Habibur Sir's Academy. आजिकर वीडियो लेक्चर में आज आम क्लास टेन जो प्रोज बही रही से प्रोज बही जो चैप्टर सरीगला जोटा आम भोकाबुलरी ग्रामर दि जाऊँगी से भोकाबुलरी ग्रामर पर आम आज फोकस करूँ आम वर्तमान यो सिक्स चैप्टर दि जाइए फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ता जो बेस करके आम कि ग्रामर करूँ यार पूर्व वीडियो क्लिप रे से जो फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उपर बेस करके किसी आक्टिविटी मुझे वीडियो पार्ट वन रे जदि आप देखी ना कि टेंशन नबर ना से वीडियो लिंक मुझे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मुझे देदे आपण मैंने से लिंक मध्यम से वीडियो देखिपारे और कॉन्सेप्ट क्लियर करें वर्तमान वीडियो क्लिप रे से फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उपरे जो रेस्ट किसी आक्टिविटी थिला ग्रामर उपरे जो आक्टिविटी थिला आम ए वीडियो क्लिप रे से आक्टिविटी को सॉल्व करिवु ये ग्रामर आरंभ करने पूर्व मुझक छोटिया रिक्वेस्ट करी जदि आपण मैंने चेल नुआक भिजिट कर दयाक आपण मैंने चेल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर थी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु फल ग्रामर उपर जो नुआ नुआ भिड मुझ अपलोड करी ता नोटिफिकेसन आपं आराम पहुँच पार आपण मैंने से ग्रामर उपर अपडेट हो पारे जदि आपण मैंने चेल पुणा अच्छा दयाक यो को अने सेयार करने को भूलिए ना एवं पाखर थी आमर लाइक बटन को प्रेस करने को भूलिबे ना चलतु से फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उपरे आमे जो रेस्ट किसी आक्टिविटी थिला से आक्टिविटी को आम करू एटा हूँ मोर रेस्ट आक्टिविटी गोटे पार्ट एटी क्वेश्चन लिखा जाइए अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस तड़े जो सेंटेन्स गुड़िक दि जाइए आम से सेंटेन्स जो नॉन फाइनाइट क्लॉजेस थी आम से नॉन फाइनाइट क्लॉजेस तड़े आम अंडरलाइन करू एज बर्तन ये क्वेश्चन दी जाइए अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट क्लॉजेस ये नॉन फाइनाइट क्लॉजेस तड़े आम अंडरलाइन करू देखो ये लिखाई नॉन फाइनाइट क्लॉजेस ये नॉन फाइनाइट क्लॉजेस को जानवा पूर्व आमको जानवा पड़ो जे नॉन फाइनाइट भारटा कौन ये नॉन फाइनाइट भार जानवा पूर्व आमको जानवा पड़ो जे आम भार केते प्रकार भार तो आम भिन्न भिन्न प्रकार किंतु टेन्स को बेस करके आम भार हूँ दुई प्रकार गोटे है फाइनाइट भार गोटे है नॉन फाइनाइट भार तामने प्रथम आम जानवु जे भार जो दुईटा रूप है टेन्स को बेस करके गोटे है फाइनाइट भार आ गोटे नॉन फाइनाइट भार से नॉन फाइनाइट भार एवं फाइनाइट भार कौन देखो ये मुझे फाइनाइट भार लिखी टेन्स सूचना मिले तामने फाइनाइट भार हूँ ये लिखाई टेन्स सूचना मिले माने हूँ जदि आप देखिए सेन्टेन्स गोटे भार दि जाइए से भार रु आपण को टेन्स विषय सूचना मिल जाऊँगी जे ये भारती आम प्रेजेट भी हो पाए किंबा पास्ट भी हो पारे जदि मुझे सेंटेन्स को पास्ट को चेंज करी प्रेजेंट रु से भार टी रूप चेंज हो किंबा पास्ट अच्छी ताको मु प्रेजेंट करने को चाहूँगी ताले से भार रूपटा चेंज होदि से भार रूपटा प्रेजेंट रु पास्ट पास्ट रु प्रेजेंट कले ता रूपटा चेंज हो पारे तमें से भार को आम कहू फाइनाइट भार आउ नॉन फाइनाइट भार मान कौन ये मुझे लिखी टेन्स सूचना मिले ना ताने जदि सेन्टेन्स गोटे भार को धरवु से भार को आम देखू जदि मुझे सेन्टेन्स को प्रेजेट रु पास्ट को चेंज करी कि पास्ट रु प्रेजेट को चेंज करी से भार कौन रिएक्शन हो ना से भारटा मूलर जहाँ था चेंज कलापर से रोचे टेन्स तार कौन प्रभाव पड़ू ना जदि सेन्टेन्स भार को प्रेजेट रु पास्ट कला बड़े पास्ट को प्रेजेंट कला बेले से भार उपर कौन रिएक्शन होना कि तार इफेक्टा तापर कि पड़ूना कि तार प्रभावटा से भार उपर पड़ूना तमें से भार को आम कहूँ नॉन फाइनाइट भार देखु बर्तमान एग्जांपल आम देखू ये मुझे लिखी आई वांट मु चाहे बा मु चाहूँगी तमें मु चाहूँगी आई वांट एटा हूँ प्रेजेट रे भारटा दी जाइए जदि मुझ सेंटेन्स को पास्ट मु करी तेल कौन हो आई वांटेड तमें देखु ये वांट थिला एटा पास्ट करदे एटा हो गला मोर वांटेड तमें वांट मोर वांटेड हो गला तमें भारटा मोर चेंज हो गला जदि ये भारटा मोर चेंज हो गला तमें ए भार को मुझे कह फाइनाइट भार आउ गोटे देखु आई वांट टू गो मो जीबाकु चाहूची ए सेंटेंस को जदि मु पास्ट करी तेल कौन हम आई वांटेड टू गो तमें ये सेंटेन्स देखु जो वांट थिला एटा हो गला मोर वांटेड किंतु ये जो गो थिला ये सेमिति मोर गो रहिला तमें ये सेंटेंस को जदि मुझ पास्ट टेन्स करदे तमें वांट मोर वांटेड हो गला ए टेन्सटा चेंज करके देखेदेला जेटा हो गला मोर पास्ट टेन्स सेंटेन्स
किंतु गो किछि चेंज हला कि गो उपरे ए टेंस रा प्रभाव पड़िला कि ना जदि ए गो उपरे कोनसी टेंस रा प्रभाव पड़िला नाही ता माने से गो को मु कहबी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब को आमे सेंटेंस रे काहे कि यूज करछु, सेंटेंस को आमे जदि लेंथी करबा को चाहौछु बढ़ेबा को चाहौछु सेही समय रे आमे कोन करछु ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब को आमे यूज करछु। ए जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैला यार चारटा फॉर्म अछि, गोटे हैला मोर टू प्लस भार फॉर्म जहाँ कहते टू प्लस इनफिनिटी फॉर्म, आउ गोटे है मोर बेयर इनफिनिटी फॉर्म, आउ गोटे है मोर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आउ गोटे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो टू प्लस भार फॉर्म जहाँ कहते टू प्लस इनफिनिटी फॉर्म जमी एटी लिखा जाए टू गो तमें टू प्लस भार बजी या को कौ टू प्लस इनफिनिटी फॉर्म। आउ गोटे गोटे थाए ए भार पूर्व आमर प्रिपोजिशन टू लग न, आउ गोटे थाए मोर प्रेजेंट पार्टिसिपल तमें आई एन जी फर्म भार्व सिटी थी जोटा कि मोर आडजेक्टिव्र काम करजेक्टिव्र काम करु। आउ गोटे मोर हूँ पास्ट पार्टिसिपल तमें भार्व्र थर्ड फर्म थी सेटा आडजेक्टिव्र काम करु। यही सब मोर हूँ नॉन फाइनाइट भार्व सब। ये भार्व गुड़िक कौन हुए ना सेंटेंस को टेन्स चेंज कला बेले ये टेन्सर कौन सी प्रभाव पड़ नाही, किंतु आमर ये आक्टिविटी दी जाइए जे अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट क्लोजेस। ये जो नॉन फाइनाइट क्लोजेस को मैं अंडरलाइन करूँ नॉन फाइनाइट क्लोजेसटा कौन एवं आम जानीगलु जे नॉन फाइनाइट वर्ब टी कौन। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब टी आमर टू रु आरंभ होइछि किंबा आमर बेयर इनफिनिटिव केवल वर्ब रु आरंभ होइथिव आई एन जी फॉर्म वर्ब रु आरंभ होइथिव किंबा थर्ड फॉर्म वर्ब रु सेटा आरंभ हेतिबो। यार डिटेल एक्सप्लेनेशन पाई मु वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी जे नॉन फाइनाइट वर्ब कौन फाइनाइट वर्ब कौन एटा आमर क्लास 10 जो आमर ग्रामर बही अछि सेतिर गुटे चैप्टर अछि ताकू बेस करी मु कॉन्सेप्चुअल वीडियो एवं तार एक्टिविटी मध्ये अपलोड करी। जदि आपण माने देखि नांति किछि टेंशन नबर नाही आपण YouTube को जिबे सेटी सर्च करिवे नॉन फाइनाइट वर्ब बाय हबीबुर सर से वीडियोटा खुलि जिवो एवं से वीडियो देखिके आपण कॉन्सेप्ट क्लियर करि परिबे फडरे आपण ये एक्टिविटी को सहजरे करि परिबे। बर्तमान आमर एटी क्वेश्चन होची जे नॉन फाइनाइट क्लोजेस टी कौन। ये नॉन फाइनाइट क्लोजेस माने कौन सेंटेंस रे देखिबे जोटी आमर नॉन फाइनाइट वर्बटा आरंभ होईची सेटू जो पार्टटा जाईची सेही पार्ट को आमे कहचो नॉन फाइनाइट क्लोज। जेमिति टू गो ए टू गो हेला आमर नॉन फाइनाइट क्लोज। बर्तमान सेटा को आमे ए एक्टिविटी रे सॉल्व करिवो। देखंतु ए एक्टिविटी रे दे जाईची अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट क्लोजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तड़े जो सेंटेंस गुड़िक दी जाइए आम से सेंटेंस रे जोटी नॉन फाइनाइट क्लोजेस थी आम से नॉन फाइनाइट क्लोजेस तड़े आम अंडरलाइन करूँ। देखो द पेपा इज ए वाइन इंस्ट्रूमेंट मेड अफ ए बुफालो हॉर्न। पेपा हूँ गोटे वाइन इंस्ट्रूमेंट जोटा कि बुफालो हॉर्न तैयारी। देखो ये जो सेंटेन्सटा मोर लिखा जाइए जदि ये सेंटेंस को पास्ट टेंस करी तेने यहाँ कौन हो द पेपा वाज ए वाइन इंस्ट्रूमेंट मेड अफ ए बुफालो हॉर्न। पेपा गोटे वाइन इंस्ट्रूमेंट थिला जोटा कि बुफालो हॉर्न तैयारी होई जी। मुझे सेंटेंस को पास्ट टेंस कली तमें मोर इजटा मोर वाज होगला किंतु ये जो मैड उपर कौन प्रभाव पड़ा ना जेहेतु ए मैड उपर कौन प्रभाव पड़ा ना ये मैड हूँ मोर नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब रु जो पार्टा रही जाइए से कहू नॉन फाइनाइट क्लोजेस तमाने ए मैड ऑफ ए बुफालो हॉर्न एटा हूँ मोर नॉन फाइनाइट क्लोजेस या तड़े मु अंडरलाइन करी। से देखु लाइंग फारदार नॉर्थ इन द माउंटेनस रीजन ऑफ हिमालयस अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द इंडिया से मोस्ट रिमोट पिक्चर्स क्यूब लोकेशंस। हिमालय पार्वत्य अंचल उत्तर दिग को दूर अवस्थित थिबा अरुणाचल प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश हूँ अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ इंडिया से मोस्ट रिमोट पिक्चर्स क्यू लोकेशन। जदि मुझे सेंटेन्स को पास्ट टेन्स चेंज करी लाइंग फारदार नॉर्थ इन द माउंटेनस रीजन ऑफ द हिमालयस अरुणाचल प्रदेश वाज वन ऑफ इंडिया से मोस्ट रिमोट पिक्चर्स क्यू लोकेशन तमने ये जो इजटा मोर वाज हो किंतु ये जो भार लिखा जाइए लाइंग जोटा कि अवस्थित तमने ये लाइंगटा चेंज हम ना जदि आमर ए पार्टी आम आई एन जी फर्म भार्ब रु आरंभ हो जदि मु सेंटेंस को पास्ट टेंस रे चेंज कली तमाने ये इजटा मोर वाज होगला तमाने एटा होची मोर फाइनाइट वर्ब किंतु ये जो लाइंग रु आरंभ होइतिला मोर पार्ट टी ये लाइंग माने होची आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब ये वर्ब रो ये वर्ब उपरे कोनोसी टेंस रा प्रभाव पड़ू नाही। जदि ये लाइंग वर्ब उपरे आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब उपरे टेंस रा प्रभाव किछि पड़ू नाही तमाने ए पार्ट को आमे कहिबो नॉन फाइनाइट क्लोजेस। तमाने नॉन फाइनाइट क्लोजेस टी कोटा हैला
ना लाइंग फारदर नर्थ इन द माउंटेनस रिजन अफ हिमालयस यहाँ मोर हूँ नन फाइनेट क्लोजेस तमें या तले मुझे अंडरलाइन करदेवि तापर ऑन दिस ओकेजन पीपुल क्लीन दियर होम्स एंड डिस्कार्ड द ओल्ड टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर यही उत्सव रे लोक माने कौन करती ना से घर को सफा सुतरा करती पुराणा जिनस गुड़ी से माने काड़ी के बाहर कर दियंती कौन पाई ना टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर को स्वागत करने जदि ये सेंटेन्स को पास्ट टेन्स करी तमें यही उत्सव रे लोक मैंने घर को सफा करूले जो क्लीन लिखाई एटा हो मोर पीपुल क्लीन दियर होम्स एंड डिस्कार्डेड द ओल्ड तमें एटा हो मोर क्लीन एटा हो डिस्कार्डेड टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर को स्वागत करने तमें टू पर देखो गोटे बाहर लिखाई ब्रिंग जदि मुझे ये सेंटेन्स को पास्ट टेन्स कली तमें एटा हो मोर क्लीन एटा हो डिस्कार्डेड किंतु टू ब्रिंग एटा चेंज है ना जदि यहाँ चेंज है ना तमें टेन्स प्रभाव या उपर पड़ा ना तमें यहाँ हूँ मोर नन फाइनेट भार्ब तमें ये नन फाइनेट भार्ब्रु आम जो पार्टा रहीगला टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर यहीटा आम कौ नन फाइनेट क्लज ये नन फाइनेट क्लज टी आम टू प्लस भार्ब्रु आरंभ हो मैंने आम यू अंडरलाइन करूँ टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर तापर द विलेजर्स क्लाइम द नियरेस्ट हिल टॉप्स फॉर दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ गाँ लोक मैंने कौन करती से पाखर थी हिल टॉप्स पहाड़ शीर्ष को चढ़ी जाती कहीं फॉर दे बिलीव दैट से विश्वास करती दिस विल हेल्प देम यहीटा से साय कर कौन सा राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ जीवन उच्च शीर्ष को उठा तमाने ये सेंटेन्स को जदि मुझ पास्ट टेन्स चेंज करी तमाने क्लाइंटा मोर हो पास्ट टेन्स क्लाइंट ए बिलीव मोर हो बिलीव किंतु देखो ये जो राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ ये राइज भार उपर कौन टेन्स प्रभाव पड़ूना जदि ये राइज पर टेन्स प्रभाव पड़ूना तमाने यहाँ है मोर नन फाइनेट भार्ब जदि यहाँ मोर नन फाइनेट भार्ब हुए ये नन फाइनेट भार्ब्रु राइज टू हायर प्लेन इन दिस लाइफ यहीटा को कहूँ नन फाइनेट क्लजेस तमाने या तले मुझे अंडरलाइन करदेवि तापर द स्प्रिंग फेस्टिवल और चपचर कूट इज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल हो कि चपचर कूट हो एटा हूँ एक इम्पोर्टेंट ओकेजन बा गुरुत्वपूर्ण उत्सव मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम अधिकांश समय कौन हुए ना मिजोरम ही पालन करा जाए देखो जदि ये सेंटेन्स को पास्ट टेन्स चेंज करी एटा कौन हो द स्प्रिंग फेस्टिवल और चपचर कूट वाज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम तमें ये ईजटा मोर वाज हो जो सेलिब्रेटेड इन मिजोरम लिखाई ए सेलिब्रेटेड तमें ये भार उपर कौन प्रभाव पड़े ना जदि ये भार उपर कौन प्रभाव पड़े ना यहाँ है मोर नन फाइनेट भार यहाँ को रूप अच्छी यहाँ इडी फर्म्रे अच्छी पास्ट पार्टिसिपल फर्म्रे से अच्छी तमें यही भार्रु जो पार्टा मैं रहीगला सेलिब्रेटेड इन मिजोरम यहीटा को आम कौ नन फाइनेट क्लज या तले मुझे अंडरलाइन करदेवि मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर्स परफॉर्म फोक डांसेस एंड सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जदि ये सेंटेंस को मुझे चेंज करी पास्ट टेंस रे एटा कौन हो मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस ये जो वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर्स एटा चेंज हम ना परफॉर्म लिखाई एटा हो परफॉर्म्ड फोक डांसेस एंड सिंग एटा सेंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जदि ये सेंटेन्स को पास्ट टेन्स करी तमें ये परफॉर्म उपर ए सिंग उपरे टेन्स प्रभाव पड़ू तमें यहाँ मोर फाइनेट भार्ब वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर्स पारंपरिक ड्रेसेस एवं हेड गियर्स पिंधिकी ये पार्ट्रे जो रहा भार मोर वेयरिंग या उपर कौन प्रभाव पड़ू ना जदि ये वेयरिंग भार उपर टेन्स कौन प्रभाव पड़ू ना तमें यहाँ हूँ मोर नन फाइनेट भार्ब ये नन फाइनेट भार्ब्रु जो पार्टा मोर रहीगला यहाँ आम कौ नन फाइनेट क्लजेस तमें वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर्स यहाँ मोर हूँ नन फाइनेट क्लजेस या तले मुझे अंडरलाइन करदेवि तापर देखु वांगला और द हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नवेम्बर टू मार्क दि एंड अफ हार्डवर्क कठिन परिश्रम हार्डवर्क समाप्ति को मार्क करने चिन्हट करने नवेम्बर मसने वांगला और हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल पालन कराए जदि यही सेंटेन्स को मुझ करी ना पास्ट टेन्स चेंज करी एटा कौन हो वांगला और हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन नवेम्बर टू मार्क द एंड अफ हार्डवर्क तमें ये जो इज थी एटा वाज हो
किंतु टू मार्क दि एंड अफ हार्डवर्क टू मार्क ये जो भार्व रहा मोर मार्क या उपर टेन्स कौन प्रभाव पड़े ना जदि ये मार्क उपर टेन्स प्रभाव पड़ूना तमें मार्क है मोर नॉन फाइनाइट भार्व ये नॉन फाइनाइट भार्व रु जो पार्टा मोर रहीगला यहाँ कहते नॉन फाइनाइट क्लोजेस किंतु यही भार पूर्व मोर टू लगी टू प्लस इनफिनिटिव तमें ये टू रु मु अंडरलाइन करदेवि टू मार्क दि एंड अफ हार्डवर्क मोर नॉन फाइनाइट क्लोजेस तापर करू देखु ये लिखा जाइए मैच द थिंग्स अंडर ए विथ द मेटेरियल्स अंडर बी राइट द सीरियल नंबर्स इन ब्राकेट्स देखु ए रे किसी थिंग्स नेम लिखा जाए बी रे से थिंग्स गुड़िक जो मेटेरियल तैयारी से मेटेरियल नेमटा मेनसन करा बर्तमान से कौच राइट द सीरियल नंबर्स इन ब्राकेट्स तमें यही जिनस गुड़िक जो मेटेरियल तैयारी आम से जिनस गुड़िक नामटा से मेटेरियल पाखे आम मार्किंग करूँ देखु ये लिखा जाए सुच ये सुजटा कौ मेटेरियल तैयारी ना सुजटा आम लेदर रु तैयारी देखो बी रे कौटी लिखा जाए लेदर ए लिखा जाए लेदर तमें ये मुझे लिखी आई तापर देखो ब्लांकेट कंबड़ ये कंबड़ कौटे या उल रु या देखो बी रे कौटी लिखा जाए उल ये लिखा जाए उल तमें ये मुझे लिखी टू आई तापर हाउसेस हाउसेस मैंने घर ये घर आम कौर याटारु याटा मैंने ब्रिक्स तमें ब्रिक्स ये लिखा जाए मुझे लिखी ट्रिपुल आई तापर आईस आईस मान हूँ बरफ ये बरफ कौती है ना आम व्वाटर तैयारी तमें व्वाटर कौटी लिखा जाए देखो व्वाटर व्वाटर ये लिखा जाए व्वाटर तमें ये मुझे लिखी आई भी तापर देखो सार्ट ये सार्टा मोर कौती है ये सार्टा मोर कटन रु तमें ये कटन पाखे मुझे लिखी भि कहीं सार्टा मोर भि अच्छी तापर भि आई अच्छे जूस ये जूस मोर कौती है ना फ्रुट रु या फल रु या फ्रूट कौट लिखा जाए फ्रूट तमें मुझे लिखी भि आई तापर भि डबल आई लिखा जाए ब्रेड ब्रेड मान हूँ रुटी ये रुटी कौती है ना आमर मैदारु तमें मैदा इंग्लीश हूँ फ्लावर ये मोर भि डबल आई तापर देखो लिखा जाए एट्रे स्टाच्यू ये स्टाच्यू कौती है ना ब्रोंज रु या ब्रोंज रे मुझे लिखी भि ट्रिपुल आई तापर आई एक्स अच्छी गेट ये गेटा कौती है ये गेटा मोर लुहार याई ये लुहार रड रु याई तमें आईरन रु याटा हूँ आई एक्स तापर देखो एक्स रे लिखा जाए चेयर ये चेयर मोर कौती है ना काठ रु याई काठ मान हूँ उड ये देखो उड कौटी लिखा जाए ये मोर उड तमें ये मुझे लिखी एक्स कहीं एक्स रे मोर अच्छी चेयर तापर अच्छी चीज ये चीज कौती है ना क्षीर रु याई ये क्षीर इंग्लीश है मोर मिल्क ये चीज मोर अच्छी एक्स आई रे तमें ये मुझे लिखी मिल्क रे एक्स आई तापर अच्छी जीन्स ये जीन्स मैंने पैंटा कौती है ना जीन्स पैंटा आम डेनिम रु याई डेनिम मैंने कौन अच्छी ना मोटा सूता कपड़ा कहती डेनिम ये जो मोटा सूता कपड़ा कहते डेनिम जेहेतु जीन्सटा अच्छी एक्स डबल आई रे तमें डेनिम्रे मुझे लिखी एक्स डबल आई ये चलीगला मोर ये थिंग्स को तार मेटेरियल सहित मुझे मैच करदेली तापर देखु ये लिखा जाए नाउ मेक सेंटेंसेस फॉर ईच पेयर यूजिंग मेड ऑफ और मेड फ्रॉम ये कौन ईच पेयर को आम मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम देखी आम सेंटेंस तैयारी करूँ ये जो ईच पेयर मैंने कौन ये पूर्वर जो आम देला गोटे टेबुलटा से टेबुल गोटे थिंग्स थी आ गए मेटेरियल थी ये थिंग्सटा जो मेटेरियल ताकू इंग्लीश गोटे सेंटेंस रूप से लिखू जमी लिखाई देखो वन इज डन फर यू केमी ना सुज आर मेड ऑफ लेदर सुज को कौन करा जाए ना लेदर तैयारी करा जाए देखो ये जो लिखा है सुज आर मेड ऑफ लेदर ये देखो लिखा है मेड ऑफ से क्वेश्चन कौच मेड ऑफ किंबा मेड फ्रॉम रु आम कौन करूँ ना सेंटेंस तैयारी करूँ तो मैंने उभयर मीनिंग हूँ तैयारी करा जाए केते बेले आम मेड ऑफ लगे सेंटेंस करूँ केते बेले आम मेड फ्रॉम लगे सेंटेंस करूँ देखु देखु मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम को लेकिन आम किपर भाव में वाक्य तैयारी करूँ देखो वाक्य तैयारी करार नियम हूँ प्रथम आम लिखू थिंग्स नेम तापर आम कौन करूँ ना इज आर मधुर गोटे लिखू ये जो इज आर मधुर गोटे लिखू यहीटा डिपेंड कै मोर थिंग्स जदि मोर थिंग्स टी सिंगुलर थी तेल इज आसव जदि मोर थिंग्स टी प्लुराल को इंडिकेट कर मोर आर आसव तापर आस मेड अफ कि मेड फ्रम ये मेड अफ आउ मेड फ्रम आम के यूज करूँ देखो ये लिखी मेड अफ ये मेड अफ मुझे यूज करी ये मुझे लिखी उत्पादन पर गुण पर हुए ना तमें गोटे मेटेरियल जो जिनसटा मुझे
जिनिसटा तयारी हे सल्ला परे जदी थिंग्स रो बा से जिनिस रो गुण सेया रही थाए गुण रे कोनसी परिवर्तन हुए नाही आमे से केस रे कोन करिवो ना मेड ऑफ आमे यूज करिवो मेड फ्रॉम आमे केते बडे यूज करिवो ना जेते बडे आमे थिंग्स जुटा मटेरियल तयारी करा जाए जदी उत्पादन परे आमर गुणटा परिवर्तन हे जाए उत्पादन परे गुणटा परिवर्तन हे जाए माने होजी उत्पादन परे आमर मटेरियल गुण जहा तिला वर्तमान से जो थिंग्स रो गुणटा सेटा सिया नुहे एटा टिके चेंज हे जाइछि जदि आमे देखिबू जे मटेरियल गुण जहा तिला थिंग्स रो गुण सिया रहु नाही किछि चेंज हेछि किछि परिवर्तन हेछि त माने सेही केस रे आमे कोन करिबू ना मेड फ्रॉम आमे यूज करिबू देखंतु ए जो कहछि नाउ मेक सेंटेंसेस फॉर ईच पेयर यूजिंग मेड ऑफ मेड फ्रॉम ए जो ईच पेयर लिखा जाइछि एटा ईच पेयर इंडिकेट करछि जो पूर्वरे आमर गुटे टेबल दिया जाइतिला आमे से टेबल रु सेंटेंस आमे तयारी करिबू देखंतु एटि थिंग्स रो नेम लिखा जाइछि सूज एठी मु बर्तन देखिबी ए सूजटा कोथिरे तयारी हेछि ना सूजटा मोर लेदर तयारी हेछि एठी मु चिंता करिबी मेड ऑफ लगेकी मु सेंटेंस करिबी कि मेड फ्रॉम लगेकी मु सेंटेंस करिबी वर्तमान देखिबी ए जो सूजटा तयारी हेछि कोथिरु ना लेदर रु त माने लेदर क्वालिटी जहा सूजटा तयारी हेइ सल्ला परे ये लेदर क्वालिटी सूज भितर रहूछि जदि लेदर क्वालिटी सूज भितर रहूछि त माने गुण रे कोनसी परिवर्तन होउ नाही जदि गुण रे कोनसी परिवर्तन होउ नाही त माने मु कोन यूज करिबी मेड ऑफ तमाने मु कोन लिखिबी ना सूज आर मेड ऑफ लेदर ए जो सूज परे मु आर काहे कि लिखली ना जो सूज जोटा सब्जेक्ट उपर आसी छि एटा प्लुरल को इंडिकेट करू छि तेणु करी ये सूज सब्जेक्ट परे मु आर भार को यूज करी छि देखो तो ब्लैंकेट ये ब्लैंकेट को दुरी तयारी करा जाए ना ब्लैंकेट हमर ऊल रु तयारी करा जाए ये ब्लैंकेट टा ऊल रु तयारी हेइ सल्ला परे ऊल रो क्वालिटी जहा ब्लैंकेट रो क्वालिटी सेय रहिता है त माने गुण रे कोनसी परिवर्तन होए नाही तेणु मु ये ब्लैंकेट को मध्य कोन करबी ना मेड ऑफ रु सेंटेंस लिखिबी ब्लैंकेट इज मेड ऑफ वूल ब्लैंकेट परे मु इज लिखि छी काहे कि ना ब्लैंकेट सब्जेक्ट टी मोर सिंगुलर को इंडिकेट करू छी तणु करी मु भार पणि छी इज ता पर छी हाउस ये हाउस को उतरे तयारी हो छी ना इटर तयारी हो छी देखंतु हाउस टा इटर तयारी हो छी हाउस टा तयारी हे सला परे सेतिर मध्य इटर जो गुण थिला ये हाउस रे मध्य से गुणटा रहू छी ता माने एठी गुण रे परिवर्तन हो नाही ता माने ए पेयर को मध्य मु मेड ऑफ द्वारा सेंटेंस करबी ता माने हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स ता पर देखंतु आइस ये आइस टा कोथिर तयारी हुए ना हमर वाटर रु तयारी हुए जदी आइस टा मोर वाटर रु तयारी हुए ये वाटर रु आइस तयारी हे साला परे वाटर रो गुण जहा तिला ये आइस रो गुण सेया रहे नाही जदी एठी गुण रे परिवर्तन देखा जाए ता माने मु याकु कोन करबी मेड फ्रॉम रु सेंटेंस लिखिबी आइस इज मेड फ्रॉम वाटर तापर सार्ट ये सार्ट टा कोथिर तयारी हेछि ना सार्ट टा मोर तयारी हुए कॉटन रु जदी सार्ट टा कॉटन रु तयारी हुए कॉटन रो गुण जहा ये सार्ट जो कपा रु तयारी छि कॉटन रु तयारी छि इर मध्ये सेया गुण रहिता जदी एठी गुण रे कोनसी परिवर्तन हुए नाही त माने याकु मध्ये मु मेड ऑफ रु सेंटेंस लेखिबी त माने एटा हे जिवो सार्ट इज मेड ऑफ कॉटन तापर छि जूस ए जूस हमें कोथिर तयारी करछु ना जूस हमें फ्रूट रु तयारी करछु जदि जूस को आमे फ्रूट रो तयारी करूछु ए फ्रूट रो गुण जहा तिला वर्तमान जूस रो गुण टिके अलगा हे जाए जदि फ्रूट रो गुण जूस रो गुण मध्ये रे किछ डिफरेंस रहूछि बा परिवर्तन टिके देखा जाऊछि त माने ये सेंटेंस को लेखिबी मेड फ्रॉम रु ये सेंटेंस हे जिवो जूस इज मेड फ्रॉम फ्रूट तापर छि ब्रेड ए ब्रेड कोथिर तयारी हेछि ना फ्लोर रो तयारी हेछि मैदा रो तयारी हेछि त माने फ्लोर ए मैदा रो आमर ब्रेड तयारी हेछि ये फ्लोर गुण जहा तिला ब्रेड तयारी हेइ सला परे गुण रे किछि परिवर्तन हेइ जाए जदि गुण रे परिवर्तन हेइ जाए ता माने याकु मु मेड फ्रॉम रु सेंटेंस लेखिबी ता माने टा हेइ जिवो ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर तापर स्टैचू स्टैचू टा को तयारी छि ना हमर ब्रोंज रु तयारी हेइ छि ता माने स्टैचू तयारी हेइ सला परे ब्रोंज रो गुण जहा तिला स्टैचू रे जो ब्रोंज लागि छि ता गुण मते सेया रहइबो ता माने ब्रोंज रु स्टैचू तयारी हेइ सला परे गुण रे कोनसी परिवर्तन देखा जाए नाही तेणु आमे ये सेंटेंस लिखिबू मेड ऑफ रु त माने स्टैचू इज मेड ऑफ ब्रोंज तापर गेट ये गेट टा कोथिर तयारी हुए ना हमर आयरन रु तयारी हुए त माने गेट टा जदि आयरन रु तयारी हुए आयरन रो गुण जहा गेट रे जो आयरन टा लागि छि तार मध्ये गुण सेया खाली रूप टिके चेंज हे जाइ छि किंतु गुण टा चेंज हे नाही जदि गुण टा चेंज हे नाही त माने याको आमे लिखिबू मेड ऑफ रु त माने गेट इज मेड ऑफ आयरन चेयर ये चेयर कोथिर तयारी हेछि ना हमर ओड रु तयारी हेछि काठ रु तयारी हेछि ये चेयर टा हमर काठ रु तयारी हेइ सला परे काठ रो गुण जहा चेयर रे जो काठ लागि छि तार गुण मते सेया खाली रूप टा टिके चेंज हेइ छि त माने गुण रे चेंज हेइ नाही जदि गुण कोनसी परिवर्तन हेइ नाही चेंज होइ नाही
ताने मु लिखी मेड अप्रु ताने चेयर इज मेड अफ उड तापर अच्छी चीज ये चीज मान हूँ लहुणी ये लहुणी कौती तैयारी कराए ना मिल्क्रु ताए जदि मिल्क्रु लहुणी ताए मिल्क्र गुण जहा ये लहुणी ता तार गुण में परिवर्तन हो जाए जदि गुण में परिवर्तन हो जाए तमें या मेड फ्रम रु लिखी तमें चीज इज मेड फ्रम मिल्क तापर अच्छी जीन्स ये जीन्स कौन तैयारी हुए ना डेनिम रु तैयारी हुए ये डेनिम मान कौन ना मोटा कपा वस्त्र ये मोटा कपा वस्त्र रु जो जीन्सटा तैयारी हो सारापर उभय गुण में किसी पर देखा जदि कौन गुण में परिवर्तन देखा ना या मेड अफ्रु सेंटेन्स करी तमें जीन्स आर मेड अफ डेनिम ये जीन्स पर भार्ब आर कहीं लगे ना ये जीन्स सब्जेक्ट मोर प्लूराल को इंडिकेट करुँ तेणुक मुझ भार्ब को आर लगे ये जो मुझ कौट लगे कौटी आर लगे यहीटा को आम कौ सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट ये सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट पर मुझे भिडियो अपलोड करा आम जो ग्रामर बही अच्छी से गोटे चैप्टर दि जाइए से चैप्टर उपर कनसेपचुआल भिडियो मुझे अपलोड करार आक्टिविट मुझ अपलोड कर जदि आपण मैंने देखी ना किसी टेनसन नवर ना आपड़ यूट्यूब को जीवे से सिंपली सर्च करेंगे सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट बाय हबीबुर सर से भिडियो आपंकर खुली से भिडियो को देखी सारापर आपंकर कनसेप्ट पूरा क्लीयर हो फल ये जूस पर इज आस कि आर आस सार्ट पर इज आस कि आर आस आपजे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें ये मोर फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उपरे बेस करी किछि एक्टिविटी थिला एटा होची मोर वीडियो पार्ट 3 या पूर्वरे वीडियो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 मु ऑलरेडी अपलोड कर सारछि जदि आपण देखी नांदी किछि टेंशन नबा नाही से वीडियो लिंक मु ए वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु दे दउची आपण से लिंक माध्यम रे से वीडियो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 को देखि परिबे कांसेप्ट क्लियर करि परिबे आशा करछि ए वीडियो आपण को भलो लागितिबो एवं आपण को डाउट को क्लियर करथिबो जदि वीडियो आपण को भलो लागे ए वीडियो को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य माननकु बहुत मात्रा रे शेयर करंतु काहेकि ना अनेक निडी पिला अछंति जो मानकर या पर डाउट अछि जदि ए वीडियो से मानक पाखरे पहुंचे ताले से मानक डाउटटा क्लियर हेइ परिबो थैंक्स फॉर वाचिंग।